फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम एक ऐसा जेल बनाएंगे जो हमारे बालों को एक मिनट में ही काला कर देगा। तो ऐसा जेल की रिक्वेस्ट जो है मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम, हम अपनी बियर्ड यानी कि दाढ़ी को भी जो है, मूछों और दाढ़ी को भी जो है ब्लैक कर सकें कुछ इस तरीके का, हमें जो है आप वीडियो बना कर दीजिएगा। तो आज उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट ही आपको कलर मिलेगा, और आप इसे जो है आप इसे भरकर भी कंटेनर में रख सकते हैं। तो चलेगा, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और जो एक बैल आती है उसको ज़रूर आप प्रेस कर लो, चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दी, ताकि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप अगर हम चैनल को जो है शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलेगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है आयरन की कढ़ाई ले लेनी है आपको, जो है गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। अब जो है हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट में चाहिए होगा वो है आंवला पाउडर। तो आंवला पाउडर ये देखिएगा, ये मेरे पास एल्पास गुडनेस का है, और जो मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है वो भी एल्पास गुडनेस का है। मैं मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ एल्पास गुडनेस के ही करती हूँ। बहुत ही अच्छा जो है ये जो है प्रेस्टिसाइज फ्री होते हैं, यानी कि इनमें कोई केमिकल नहीं होता, क्योंकि इसमें मेंशन है और इन सब का मैंने रिव्यू भी कर रखा है, इनमें कोई केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है, और इनमें मेंशन भी दे रखा है यही कि 100% नेचुरल है। तो देखिएगा, जितना आपको बनाकर रखना हो, स्टोर करके रखना हो, यानी कि जितना आपको स्टोर करके रखना हो उतना आप जो है आंवला पाउडर ले लीजिए। तो मैं आपको सिर्फ बनाकर दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ही ले लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि आप स्टोर करके रख सकते हैं इसे। तो ये देखिएगा, मैंने इतना यहाँ पर ले लिया है, और मैं इसे जो है सिम गैस पर, आपको ध्यान है इसको बिल्कुल ब्लैक कर लेना है आपको, क्योंकि हम हेयर जेल बना रहे हैं, इंस्टेंट ही आपको कलर मिलेगा उसका। तो हम इसे जो है अच्छे से भून लेंगे, यानी कि रोस्ट कर लेंगे। तो चलेगा, हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, हमें जो है इस तरीके से इसे रोस्ट कर लेना है जल्दी से, और ये जब ब्लैक हो जाए आपको गैस का फ्लेम जो है वो सिम पर रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, हमें बिल्कुल भी इसे जलाना नहीं है, और इसे हमें जल्दी जल्दी से जो है रोस्ट कर लेना है। चलेगा, अब मैं इसे आपको ब्लैक कर जब ये हो जाता है तभी दिखाती हूँ। तो देखिएगा, ये रोस्ट हो गई है अच्छे से, और देख सकते हैं आप इसका कलर भी ब्लैक हो गया। तो चलेगा, अगर रख रहे हैं तो ये देखिएगा, ये है काली मेहंदी, इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और रोस्ट करके इस तरीके से रख लिया। ये भी एल्पास गुडनेस की है, और इसमें भी कोई केमिकल नहीं है, ये नेचुरल है, आप जाकर वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, और इन सबका रिव्यू भी मैंने कर रखा है। तो चलिएगा, मैं इसको भी इतना ही, जितना ये आंवला था उतना ही ये जो है काली मेहंदी है, इस तरीके से मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से भी आपको इन दोनों को मिक्स कर देना है, ये देखिएगा ये अच्छे से जो है मिक्स हो सके। अब आपको जितना आपको अपना जेल बनाना हो आप उतना जेल बना लीजिएगा। तो चलेगा, अब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैं इसमें से जितना मुझे जेल बनाना हो उतना छोड़ देती हूँ, बाकी मैं इस तरीके से निकाल कर रख देती हूँ। तो देखिएगा, ये जो है ये देखिएगा, इसमें आंवला है और काली मेहंदी है, इसको आप इस पाउडर को स्टोर कर आप 3 महीने भी रख सकती हैं एक साथ। जब भी आपने लिया अपना निकाल लिया और उतना ही आपने घोल लिया अपना। तो चलिएगा, मैं घोलने का आपको तरीका बता देती हूँ, इसको आप स्टोर करके रख सकती हैं सुखाई इस टाइप से इस पाउडर को। तो चलिएगा, अब जो है अब हम इसके अंदर जो डालेंगे, हमें सिर्फ इसके अंदर जो है आंवले का पानी डालना है, यानी कि जो हमारा आंवला होता है उसको आप डाल लीजिए, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, डालकर उसको खोला लीजिए, उसका जो ब्लैक पानी निकलता है वो हमें इसमें ऐड करना है। तो ये देखिएगा, ये इस तरीके से मैंने जो है ड्राई आंवला लिए, और ड्राई आंवला का पानी इस तरीके से मैंने जो है बनाकर रख लिया था। तो इस तरीके से आप इसको इतना डालिए कि जेल की जेल तरीके से आ जाए, यानी कि जेल फॉर्म में आ जाए। और ये इस समय तो गर्म है, आपको 15 से 20 मिनट बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये हेयर जेल बालों में लगने के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे घोल लीजिए, और इंस्टेंट ही आपके लड़के हो जाएंगे एकदम से। ये आपको इतना अच्छा कलर प्रोवाइड करेगा, बहुत ही अच्छा कलर आपके हेयर में आएगा, वाइट हेयर को एकदम से कवर आउट कर देगा। और ये देखिएगा, अभी मैं इसको बना लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिएगा, ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब आप इसे जो है 15 से 20 मिनट इस कढ़ाई में ही इस तरीके से छोड़ दीजिए, ताकि ये ठंडा भी हो जाए और अपना कलर एकदम अच्छे से पकड़े, क्योंकि आयरन का इसमें गुण आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें जो है आंवला पाउडर ऐड किया था उसमें एकदम से जो कढ़ाई है उसका आयरन आ जाएगा, और एकदम से हमारे बाल जो है वो ब्लैक हो जाएंगे।
तो आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से बनाना है आपको। जो है इसमें इस पानी के अंदर आपको ड्राई आंवला ही डालने हैं, यानी कि सूखे हुए जो आंवला होते हैं उसको ही पानी में डालना है। फिर आप देखेंगे इतना बढ़िया कलर आपके हेयर में आएगा, जो वाइट हेयर आपके चमक रहे हैं एकदम से कवर आउट हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ हमने दो ही चीज़ें ली हैं, एक तो इसमें हमने ब्लैक मेहंदी ली है और एक इसमें हमने आंवला लिया है, यानी कि आंवला पाउडर लिया है। ये दोनों चीज़ों से ही हमारी जो जेल है वो बनकर रेडी हो गई। अब आपको मैं इसका लगाने का तरीका बता देती हूँ। आपका हेयर जो है वॉश आउट होना चाहिए, यानी कि धुला हुआ साफ़ सुथरा होना चाहिए। कम से कम आप इसे एक घंटा के करीब ज़रूर लगाइए अपने हेयर में, और जब भी आपको लगानी हो इस तरीके से आप घोल लीजिए और अपने हेयर में साफ सुथरे हेयर में आपको लगानी, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी। नॉर्मल वाटर से आपको जो है वॉश आउट कर लेना, आप चाहें तो नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे आपका जो है बहुत टाइम तक आपका हेयर नॉर्मल से ही आपका ब्लैक रहेगा, बिल्कुल वाइट हेयर जो होता है वो कवर आउट आपका इसी से ही हो जाएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है, आपको मैं बता चेक भी कर सकते हैं, काली मेहंदी में भी बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल है 100%, उस पर लिखा भी है ऑर्गेनिक है। और आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने जो रिव्यू वीडियो किया था वो वीडियो भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जब भी आपको करना हो आप इसे बियर्ड में यानी कि दाढ़ी में मूंछों में लगा सकते हैं और हेयर में भी लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।